माननीय प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त उत्तर पश्चिम क्षेत्र चंडीगढ़, मुख्य आयकर दूत चंडीगढ़ एवं विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण एवं यहां पर उपस्थित आयकर बार काउंसिल के मेंबर्स, व्यापार मंडल के मेंबर्स, एसडीओ सीबीडब्ल्यूडी शर्मा जी और साथियों, आज दिनांक 20 अक्टूबर 2021 को आयकर भवन एवं आयकर आवासीय कॉलोनी बिलासपुर के उद्घाटन एवं लोकार्पण समारोह पर मैं देवासिंह नेगी, आयकर अधिकारी बिलासपुर, आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और आज आयकर भवन बिलासपुर एवं आवासीय कॉम्प्लेक्स का लोकार्पण सर के कर कमलों द्वारा हो रहा है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वक्तव्य को विराम देने की अनुमति चाहता हूँ। धन्यवाद। श्री कृष्णा सर, प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, माय डियर कलीग्स एंड फ्रेंड्स, एज यू ऑल नो, वी हैव गैदर्ड हियर टू पार्टिसिपेट इन द इनॉग्रेशन ऑफ आवर ऑफिस कॉम्प्लेक्स एट बिलासपुर बाय ऑनरेबल सर। द एंटायर क्रेडिट फॉर द इनिशिएटिव फॉर दिस मोमेंटस ओकेजन गोज टू सर, एज फ्रॉम द डे ही टुक ओवर चार्ज ही हैज एनकरेज्ड अस टू गेट द बिल्डिंग कंप्लीटेड, इनॉग्रेटेड एंड पुट टू यूज। Bilaspur is a small town in Himachal Pradesh and only a single IT station. But despite it and in spite of his seniority, sir has spared time for this momentous occasion. Thank you, sir. I would like to give you some background of the Bilaspur Income Tax Office through the years. The office at Bilaspur was set up in 2002 as a single IT station on a hired building with mere 5,000 SSCs, which have now touched more than 25,000. The budget collection in 2008 was only rupees 1,46,000 and has now reached 4.87 crores. Since the inception of this office, the tax base at Bilaspur has increased manifold as a result of the hard work put in by the officers and the local staff. The number of active ITR filers have shown an increasing trend every year due to the consistent monitoring and outreach activities of the local office. The local connect established by the workforce has been a great source of information for the income tax department at this station. The main place of business activities are the Bilaspur city, Naina Devi, Ghumarwin, Burkin, Talai and Barmana. The core of revenue collection is from retailers, wholesalers, cooperative societies, contractors and salaried workers. This area has also witnessed the coming up of AIIMS, four-lane connectivity from Kirakpur to Ner Chonk, and laying of railway line from Banupali to Leh through this district in the span of the last 4 or 5 years. This all would ultimately result in increasing the revenue potential of the area under this office. I now request you, sir, to kindly inaugurate the office and the residential. Friends, I hereby open this inauguration and dedicate this building to the taxpayers and officers of the Bilaspur. And with the office, we have also constructed this residential complex that is also inaugurated. Is mauke pe upasthit manni kardata gan, एडवोकेट्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और दूसरे स्टेक होल्डर्स, हमारे बीच में उपस्थित चीफ कमिश्नर सिमी गुप्ता जी, हमारे हेडक्वार्टर के साथी और यहाँ पे उपस्थित सारे अधिकारीगण, सबसे पहले मैं पूरे विभाग के लोगों को और खासकर बिलासपुर में उपस्थित अपनी टीम को बधाई देता हूँ। देवा सिंह नेगी जी के लिए खासकर स्पेशल मौका होगा
जब हम एक किराए की बिल्डिंग से अपनी बिल्डिंग में शिफ्ट करेंगे, इससे मनोबल भी बढ़ता है और सुविधाएं भी मिलती हैं। अपना रेजिडेंस कॉम्प्लेक्स होने की वजह से और गेस्ट हाउस होने की वजह से जो वहाँ पे अधिकारी और कर्मचारीगण पोस्टेड रहेंगे, उनके लिए भी एक कंफर्टेबल इन्वायरमेंट रहेगा काम करने के लिए। मुझे बताया गया कि 2006 में जब दर्शन सिंह जी वहाँ एक अधिकारी तैनात थे, तो उन्होंने ये सपना देखा था कि हमारी अपनी बिल्डिंग होनी चाहिए, और उन्हीं के समय में ये काम शुरू हुआ था। फिर 2012 में अनिल शर्मा जी जब वहाँ एक अधिकारी थे, तो इसका जमीन का सरकार से अलाटमेंट हुआ, और अथक कोशिशों और प्रयासों के बाद 2017 में इसका निर्माण कार्य चालू हुआ। इनफैक्ट बिल्डिंग अगस्त 2017 में शुरू हुई और 2021 में अगस्त 2021 में कंप्लीट हुई, और CPWD ने सितंबर 2021 में हैंडओवर किया। तो जो ऑफिस की बिल्डिंग बनाने में 4 साल लग गए, तो इसका मतलब ये CPWD ने बहुत ही अच्छे से बिल्डिंग का निर्माण किया है। और जो रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स है, उसको जनवरी 2017 में शुरू किया गया और 2000 अगस्त 2000 जून 2018 में उसका निर्माण कार्य पूरा हुआ। तो कम 1.5 साल में उन्होंने इसका बिल्डिंग का निर्माण कर दिखाया। इसके लिए CPWD के सारे इंजीनियर, आर्किटेक्ट, सारे कर्मचारी बधाई के पात्र हैं। उनको मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने बहुत ही कम समय में बिल्डिंग का निर्माण करके हैंडओवर कर दिया। आने वाले दिनों में बिलासपुर में बहुत पोटेंशियल लगता है, और मैं मानता हूं कि वहां के जो भी करदाता हैं, जो बाकी हमारे टैक्स प्रैक्टिशनर्स हैं, चाहे चार्टर्ड अकाउंटेंट हों, एडवोकेट्स हों, ITPs हों, ये सबके लिए भी एक सुनहरा मौका होगा कि इस ऐतिहासिक क्षण में शामिल होने का। क्योंकि आने वाले दिनों में जो जो ये ट्रेडिंग एक्टिविटी बढ़ेंगी, तो आप लोग टैक्स कलेक्शन में मदद करेंगे, और हम लोग मानते हैं कि हमारा हर करदाता एक राष्ट्र निर्माता है। चाहे वो सीमा पे जो हमारे बॉर्डर की रक्षा करने वाले साथी सैनिक हैं, चाहे ITBP के हों, या बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के हों, या आर्मी के हों, या सीमा सुरक्षा बल के हों, सबको जो, और हम लोगों को भी जो सैलरी मिलती है, वो जो टैक्स पेयर्स हैं उनके टैक्स से ही मिलती है। जो सरकार हॉस्पिटल बनाती है, वो आपके टैक्स से बनते हैं। जो हाईवे बन रहे हैं, वो आपके टैक्स से बनते हैं। जो भी स्कूल, सरकारी स्कूल और कॉलेजेस बनाए जाते हैं, वो आपके टैक्स से बनते हैं। तो टैक्स को आप सिर्फ एक बर्डन मत समझिए, आप ये समझिए कि टैक्स अदा करके, टाइम से टैक्स भर के आप राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान कर रहे हैं। और इस महादेश को, जिसको कभी सोने की चिड़िया कहा जाता था, प्रधानमंत्री जी के विजन के साथ और सरकार की मेहनत के साथ में एक बार फिर ये सोने की चिड़िया बनेगा। उसके लिए आप सब लोगों का, जो जहां पे हैं, जो टैक्स पेयर हैं, वो सही टैक्स दें, समय पर दें, सही तरीके से इनकम दिखाएं अपनी। और जो हमारे स्टेक होल्डर हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट, IT, एडवोकेट्स, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि आपके पास जो भी टैक्स पेयर आता है एडवाइस के लिए, उसको सही सलाह दें कि इसको मतलब टैक्स बचाने की बजाय जो टैक्स बनता है लीगल तरीके से, जो ड्यू बनता है, उसको एडवाइस करें कि आप लोग टैक्स जरूर भरें, समय पे भरें और सही तरीके से भरें, जिससे आप सब लोग राष्ट्र निर्माण में अपनी महती भूमिका अदा कर सकें। इस सब के साथ आप सब लोगों को एक बार बहुत बहुत बधाई, शुक्रिया कि आप लोग अपना कीमती समय निकाल कर इस फंक्शन में आए, अपना टाइम दिया। इसके लिए आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।